गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम टू नर्सिंग इज ऑन एसटी। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इजी हैं एंड बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आप स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू नर्सिंग इज ऑन एसटी। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। MCQs फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके ओके, सो आज का थॉट है वन डे और डे वन, यू डिसाइड। कि ऐसा एक दिन आएगा, यही सोचने में ही अपना टाइम गवा दोगे कि एक दिन आएगा हम स्टडी करेंगे, कल करेंगे। कल पर नहीं छोड़ना है, आज से ही स्टडी करना है। और इस थॉट में यही लिखा हुआ है कि वन डे या फिर डे वन, आपको डिसाइड करना है कि आपको एक दिन पढ़ना है या आज से ही शुरुआत करनी है। ठीक है, तो आज से ही हम शुरुआत करेंगे पढ़ाई की और फुल मोटिवेशन के साथ वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो सुपरफिशियल लेयर होती है जो स्किन की, वो होती है हमारी एपिडर्मिस। नोट डाउन कर लीजिएगा, एपिडर्मिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है द कलर ऑफ द स्किन इज़ अफेक्टेड बाय। हमारी स्किन का कलर किससे अफेक्ट होता है, कि हमारी जो स्किन है वो डार्क हो जाती है, ऐसा कौन सा पिगमेंट है जिसकी वजह से स्किन डार्क होती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा ही सांवले होते हैं, वो उनमें मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो इसका सही आंसर है मेलानिन। मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो स्किन में पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है, अगर ज़्यादा यू नो प्रोड्यूस हो जाए तो कलर कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है पिगमेंट मेलानिन इज सिक्रेटेड बाय। तो मेलानिन जो है वो कौन से सेल्स सिक्रेट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है मिलेनोसाइट्स, देन बी इरेथ्रोसाइट्स, सी ल्यूकोसाइट्स या फिर डी लिम्फोसाइट्स। जिसका करेक्ट आंसर है ए मिलेनोसाइट्स। ठीक है, तो मिलेनो, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा मिलेनोसाइट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फंक्शन ऑफ स्किन इंक्लूड्स। स्किन के जो फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज प्रोटेक्शन, देन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ वाइटमिन डी या फिर ऑल ऑफ अबव। तो देखिए स्किन के तो सारे फंक्शंस होते हैं, प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर का फंक्शन होता है, वाइटमिन डी की फॉर्मेशन भी होती है स्किन से। कैसे होती है, देखो आपने सुना होगा या स्टडी भी किया होगा, जो वाइटमिन डी है हमें सनलाइट से मिलता है। तो वो कैसे मिलता है, स्किन के थ्रू। जब हम सनलाइट मतलब सन के एक्सपोजर में आते हैं तब वाइटमिन डी की फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये हमें स्किन से मिलता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे अबंडेंट अमाउंट में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है। तो जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू। ये सब ऑर्गन्स को, बोन्स को, मसल्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब पूरी जो बॉडी है वो एक कनेक्शन बना रही है तो उसमें हेल्प करता है कनेक्टिव टिश्यू। अगर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारे ऑर्गन्स अलग होंगे, मसल्स अलग, ऐसा नहीं है ना। तो सब चीज़ कनेक्टेड है। कनेक्टेड क्यों है, कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। ओके, नेक्स्ट है एंटीरियरली द बाउंड्री ऑफ थोरेसिक कैविटी इज फॉर्म्ड बाय। एंटीरियरली मीन्स आगे। ओके, एंटीरियर मीन्स होता है आगे। सो आगे की तरफ जो थोरेसिक कैविटी की बाउंड्री है वो कौन बना रहा है, स्टर्नम, रिब्स, थोरेसिक वर्टिब्रा या फिर डायफ्राम। देखिए डायफ्राम तो होता है जो एब्डोमिनल एंड थोरेसिक कैविटी को डिवाइड कर देता है, दोनों के बीच में डायफ्राम प्रेजेंट होता है, इन दोनों कैविटी को अलग अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कि थोरेसिक वर्टिब्रा। अब थोरेसिक वर्टिब्रा तो एंटीरियरली प्रेजेंट होएगी नहीं, क्योंकि वर्टिब्रा पोस्टीरियरली प्रेजेंट होंगी थोरेसिक कैविटी के, तो एंटीरियरली आगे की तरफ वर्टिब्राज नहीं होती हैं। ए है स्टर्नम, स्टर्नम आपको पता है कौन सी बोन होती है, तो बचा क्या, रिब्स। तो रिब्स के कितने पेयर्स होते हैं, 12।
टोटल रिब्स होती है हमारी 24, 12 पेयर्स होते हैं रिब्स की। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, रिब्स। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट डू यू मीन बाय साइनसिस। अब इसमें बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में कि साइनसिस की डेफिनेशन क्या है, साइनसिस का मतलब क्या है। सो ऑप्शन ए इज़ स्पेस बिटवीन टू बोन्स, दो हड्डियों के बीच में स्पेस होना। सेकंड, कैविटीज़ इन द बोन्स, बोन्स में कैविटीज़ प्रेजेंट होना। स्पेस बिटवीन टू टिश्यू लेयर्स। अब देखिए, साइनसिस का प्रेजेंट होना सी और डी आपका नहीं है। देखो, डी में लिखा हुआ है स्पेस बिटवीन टू लंग्स, तो दो लंग्स के बीच में स्पेस को हम साइनसिस नहीं बोलेंगे। लंग्स का टॉपिक आप सभी ने स्टडी किया हुआ है, उसमें साइनसिस का जिक्र ही नहीं होता है। सी, स्पेस बिटवीन टू टिश्यू लेयर्स, ठीक है, तो इसमें भी नहीं होगा। अब ए और बी में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कैविटीज इन द बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ कार्टिलेज रिंग्स फाउंड इन द ट्रेकिया। तो आपने ट्रेकिया का टॉपिक भी स्टडी किया है, तो ट्रेकिया में कुछ इस तरीके से आपको रिंग्स नज़र आती हैं। तो रिंग्स कौन सी शेप की होती हैं, ठीक है, इस तरीके से होंगी। तो इसकी जो शेप है वो होती है सी शेप्ड, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, सी शेप्ड। छह, लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इनटू। ओके, सो हमारे दो लंग्स होते हैं, लंग्स टू इन नंबर होते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो जो लेफ्ट लंग होता है उसमें इस तरीके से टू लोब्स होती हैं, वन एंड टू, और जो राइट लंग होता है उसमें इस तरीके से थ्री लोब्स होती हैं, वन टू थ्री, ठीक है। तो लेफ्ट लंग में कितनी लोब्स होंगी, टू लोब्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th, लेंथ ऑफ फेरिंग्स इन एन अडल्ट इज अबाउट। ओके, सो फेरिंग्स की लेंथ अडल्ट में कितनी होती है। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि फेरिंग्स में कितने अल्फ़ाबेट्स प्रेजेंट हैं। तो इसमें है 7 अल्फ़ाबेट्स प्रेजेंट हैं, 7 × 2 = 14, तो 12 to 14 हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें बहुत सी कन्फ्यूज़न हो जाती है, दैट्स वाई 12 to 14 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11th, ओपनिंग ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब फाउंड इन। जो ऑडिटरी ट्यूब में ओपनिंग होती है, ठीक है, वो कहाँ पर जाकर निकलती है, ठीक है, ओपनिंग ऑडिटरी ट्यूब की कहाँ पर मिलती है, नेजोफेरिंग्स में। ओके, नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ ट्रेकिया इज अबाउट। तो ट्रेकिया की लेंथ कितनी होती है, ट्रेकिया की लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, अमाउंट ऑफ O2 इन इंस्पायर्ड एयर इज अबाउट। जो भी हम एयर इंस्पायर कर रहे हैं, इंस्पायर मींस अंदर लेना, एक्सपायर मींस छोड़ना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पायरेशन, ठीक है। तो रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है इनहेल एंड एक्सहेल, इंस्पायर का मतलब होता है इनहेल, ठीक है। सो इनहेल कितने परसेंट ऑफ ऑक्सीजन हम करते हैं, तो इसका आंसर है 21%। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, विच कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरेशन। तो वही रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इनहेल करना एंड एक्सहेल करना। तो ऐसे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब हम इनहेल करते हैं। फर्स्ट वन इज कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, सेकेंड वन इज डायलेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, थर्ड वन इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, या फिर डी बोथ ए एंड सी। तो इसमें यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पर ए एंड बी नहीं आएगा, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी, ठीक है। तो क्या क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी इंटरकोस्टल मसल्स की, साथ ही साथ डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होगा जब हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, और जब हम एक्सहेल करेंगे तो डायलेशन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है द ऑर्गन विच सेपरेट्स द थोरेसिक एंड अबडोमिनल कैविटीज इज नोन एज। तो अभी हमने स्टडी किया था एक क्वेश्चन में कि जो डायफ्राम होता है वो तो डिवाइड करता है थोरेसिक और एबडोमिनल कैविटी को, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, डायफ्राम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, इन नॉर्मल अडल्ट टाइडल वॉल्यूम इज अबाउट। तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है अडल्ट में, ठीक है।
तो टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एक्सटर्नल रेस्पायरेशन. एक्सटर्नल रेस्पायरेशन के वक्त क्या होता है, जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं तो क्या होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वियोलाइज टू ब्लड. सेकेंड इज द करेक्ट आंसर बी. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18. इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ सेंस ऑर्गन. तो सेंस ऑर्गन इनमें से कौन सा नहीं है. देखिए आई है, आई से हम क्या करते हैं, विजिबिलिटी में हेल्प करती हैं आई, ठीक है. नेक्स्ट है माउथ, थर्ड वन इज स्किन. अब देखिए सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टच स्किन का फंक्शन है, मतलब सेंस ऑर्गन है एक स्किन. डी टंग, टंग भी एक सेंस ऑर्गन है, ठीक है, सेंस ऑफ टेस्ट. तो माउथ एक ऐसा है ऑप्शन जो कि सेंस ऑर्गन नहीं है, सो बी माउथ इज द करेक्ट आंसर. विच ऑडिटरी ऑसिकल्स इज ऑफ हैमर शेप्ड. तो आपने आई होप ईयर का टॉपिक स्टडी किया होगा, नहीं किया हुआ है तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन के साथ आपको स्टडी करवा सकती हूँ. सो विच ऑडिटरी ऑसिकल्स, ऑडिटरी ऑसिकल्स हमारी आपको पता है कौन कौन सी होती है, इनकस, मैलस, टेपस. तो ऐसी कौन सी है जो हैमर शेप की होती है, ठीक है, उसकी शेप कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी, हैमर शेप. तो वो होती है मैलस. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टिकी मटेरियल सिक्रेटेड इन ऑडिटरी कैनाल. ऑडिटरी कैनाल में ऐसा कौन सा स्टिकी, स्टिकी मीन्स थोड़ा सा चिपचिपा मटेरियल प्रेजेंट होता है. ऑडिटरी कैनाल की बात हो रही है तो ऑब्वियस बात है कि ईयर की बात हो रही है. अब ईयर के अंदर आपको पता है मटेरियल प्रेजेंट होता है, जैसे हम बोलते क्या है, सेरुमेन बोलते हैं, जिसका करेक्ट आंसर है बी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई. आई की इनर मोस्ट लेयर कौन सी है. तो करेक्ट आंसर है रेटिना. नोट डाउन कर लीजिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, रेटिना. ऑफ कार्डियक आउटपुट इज, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है. कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हार्ट रेट. ये तो बिल्कुल नहीं है. कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट रेट. नो, इसका करेक्ट आंसर है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट. सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज बेरोसेप्टर्स किससे रिलेट करते हैं, सबको पता है ये तो, बीपी मेंटेन, सॉरी मेंटेनिंग बीपी. ओके, सी इज 24 क्वेश्चन नंबर. द राइट साइड ऑफ हार्ट सप्लाइज ब्लड टू द. अब ये देखिए, ये आपकी काम की चीज़ आ गई थोड़ी सी. तो मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है. हार्ट में आपको पता है चार चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल. अब जहाँ पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट है, यही होगी हर्ट की राइट साइड, ठीक है. तो राइट साइड में कौन सा ब्लड होता है, डी ऑक्सीजनेटेड. तो इसलिए मैं यहाँ CO2 लिख रही हूँ, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है. अब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सबसे पहले कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में. फिर राइट एट्रियम से इस वॉल्व के थ्रू कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में. अब राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरीज प्रेजेंट है, आर्टरीज के थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा प्योरिफिकेशन के लिए. तो ये ब्लड सप्लाई किसको कर रही है, राइट साइड ऑफ द हार्ट, लंग्स को. सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज इन ह्यूमन हार्ट इम्पल्सिस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम. अब यहीं पर ही इम्पल्सिस जनरेट होती हैं जिसकी वजह से हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होती है, तभी हार्ट के जो चैम्बर्स हैं अपना काम करते हैं, हार्ट सॉरी जो ब्लड है उनको एक एट्रियम से वेंट्रिकल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जो भी इम्पल्सिस आती हैं हार्ट में. तो वो इम्पल्सिस कौन क्रिएट कर रहा है, राइट एट्रियम में प्रेजेंट होती है एस ए नोड कर रही हैं, ठीक है. एस ए नोड इज़ द करेक्ट आंसर. तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा. ऐसी और भी वीडियोज़ चाहते हैं तो कॉमेंट डाउन करना, और अगर आप 25 MCQs भी आपके लिए इनफ है, अगर डेली आप स्टडी करते हो तो बहुत ही अच्छे मार्क्स. तो अगर आप डेली स्टडी करते हो तो एक दिन परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है, कुछ भी नहीं भूलोगे. तो MCQs भी स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम सिस्टम वाइज MCQs स्टडी करेंगे. तो अगर आज का वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना न्यू नोटिफिकेशन के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.